Good morning, students. Myself, Patel Bina. आज मैं आपको स्टैंडर्ड 6 का संस्कृत पढ़ाने वाली हूँ. हमारा 12वां लेसन है दशम महत्वम असीम. थर्ड पैराग्राफ. तदा कशिचत पथिकः अत्र आगच्छन्तः सः तानः बालकानः दुखितान दृष्ट्वा अपुष्यन्त बालकाः युष्माकः दुःखस्य कारणः किम् बालकानः नायकः अकथयन्तः वय दश बालकाः स्नानातुम् आगताः इदानीं नव एम स्मः एकदा नदामग्नः इति तब कोई पथिक वहां आया. उसने उन बालकों को दुखी देखकर पूछा, हे बच्चों, तुम लोगों के दुख का कारण क्या है? बालकों ने नायक से कहा, हम 10 लड़के स्नान के लिए आए थे, अब हम 9 ही हैं, एक नदी में डूब गया है. अब हम थर्ड पैराग्राफ का शब्दार्थ, सल्लार्थ और इंग्लिश ट्रांसलेशन लिखेंगे. शब्दार्थ आगच्छन्त आया के पथिकः पथिक राहगीर ट्रैवलर दृष्ट्वा देखकर हैविंग सीन युष्मा को तुम लोगों का yours अकथयंत कहा said स्नातुम नहाने के लिए टू टेक बाथ इदानीं अब नाउ स्म है आर सल्लार्थ तब कोई पथिक वहां आया. उसने उन बालकों को
दुखी देखकर पूछा, हे बच्चों, तुम लोगों के दुख का कारण क्या है? बालकों के नायक ने कहा, हम 10 लड़के स्नान के लिए आए थे, अब हम 9 ही है। एक नदी में डूब गया है। इंग्लिश ट्रांसलेशन। देन अ ट्रैवलर केम देयर, सीइंग देम said he asked boys what is the case of your misery? Unhappiness. The leader of the boys said, "We 10 boys came to take a bath. Now we are only 9. One got downed in the river. पथिकः तान अगण्यन्तः तत्र दश बालका एव आसन्। स नायकं आदिशत त्वं बालकानः गण्य, सः तु नवबालकानाम् एव अगण्यन्तः। तदा पथिकः अवदत्, द्वसन्तम् असि इति। ततः श्रुत्वा प्रहष्टा भूत्वा सर्वगृहम् अगच्छन्। पथिकः ने उन्होंने गिना, वहां 10 बालक ही थे। उसने नायक को आदेश दिया कि तुम
बालकों को गिनो। उसने तो 9 बालक ही गिने। तब पथिक बोला, 10वें तुम हो। यह सुनकर सब खुश होकर घर चले गए। अब हम लास्ट पैराग्राफ के शब्दार्थ, सल्लार्थ और इंग्लिश ट्रांसलेशन लिखेंगे। लास्ट पैराग्राफ। शब्दार्थ, नायकम, नायक को, टू द लीडर, आदिशत, आदेश दिया, गिव गिव इंस्ट्रक्शन, गणय, गिनो, काउंट यू, दशमः, दसवा, टेंथ, असी, तुम, आर, श्रुत्वा, सुनकर, हियरिंग, प्रहस्ता, प्रसन्न, हैप्पी, भूत्वा, होकर, कीपिंग, सल्लार्थ, पथिक ने उन्हें गिना, वहां 10 बालक ही थे। उसने नायक को आदेश दिया, तुम बालकों को गिनो, उसने तो 9 बालक ही गिने। तब पथिक बोला, 10वें तुम हो।
यह सुनकर सब खुश होकर घर चले गए। इंग्लिश ट्रांसलेशन। द ट्रैवलर काउंटेड देम। देयर वेर 10 बॉयज ओनली। ही Instructed the leader to count the boys, but he counted only 9 boys. Then the traveler said, "You are the 10th. Hearing this, they fled, happy and went home.